नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुज ओस्तवाल। आज अपना पहला व्लॉग बना रहे हैं। वो टॉपिक है कि वाटर शूट्स कैसे निकलना। मेरा ये प्लॉट 10 मई का इथ्रिल है। 12 मई को हमने इसे पहला पानी दिया तो हम बोलेंगे 12 मई से इसकी बाहर ट्रीटमेंट चालू हुई है। तो पहले पानी में अपन ने चिलेटेड जिंक 052434, उसके बाद स्टार्टर ह्यूमिक एसिड जो बोलते हैं और एनपीके के बैक्टीरियल दिए थे। तो आज इसे कंप्लीट 1 महीना और 1 दिन हो गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग दिख रही है। फ्लावरिंग के साथ साथ थोड़े से वाटर शूट्स भी है, एक बार निकाले गए हैं। थोड़े क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण इसके अंदर थोड़े वाटर शूट्स ज़्यादा है। तो जब तक वाटर शूट्स है तो आपका पेड़ बोलेगा कि मैं अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करता हूँ, तो वो फ्लावरिंग नहीं निकालेगा। तो इसके लिए हमने अपने मैन्युअली हाथ से वाटर शूट्स को निकाल लेना है। तो वो कैसे निकालना है मैं आपको आज बताता हूँ। ये बता, ये अंदर वाटर शूट्स है। ये जितने भी कोले कोले जो वाटर शूट्स है इसे हमने एकदम आराम से हाथ से ले लेना है। ये देखिए, जब तक ये अंदर रहेगा और अंदर ये हवा को भी नहीं घुसने देते हैं। और वाटर शूट्स ये देखिए, इसे हम वाटर शूट्स कहते हैं। ये बिल्कुल एकदम वाइट कलर के होते हैं। ये निकालते समय हमने एक दक्षता ऐसी रखनी है कि जो 4 इंच है, 4 इंच से छोटा जो होता है उसे नहीं निकालना है। उसके ऊपर फ्लावर आने की शक्यता होती है। तो बस ये बाहर के बाजू भी होते हैं, तो ये भी इसको बस इस तरह से निकाल लेना है। ओके, थैंक यू। तो वाटर शूट्स निकालते समय हमें सिर्फ ये जो बड़े वाले वाटर शूट्स है इसे ही निकालना है। तो इसे निकालते समय ये देखिए, ये आपका 4 इंच से बड़ा है, इसके ऊपर कभी फ्लावरिंग नहीं आएगी। ये इसे निकालना है, ये इसे निकालना है, ये देखिए। और जो 4 इंच से छोटा है उसे नहीं निकालना है। उसे क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि उसके ऊपर फ्लावरिंग आ सकती है। ये देखिए आप, इसके ऊपर कितनी मस्त 2 फ्लावर्स दिख रहे हैं। पीछे से एक और आ रहा है। ओके, थैंक यू।